Hi guys, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब टू एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बियर क्या है, बियर की हिस्ट्री क्या है और इंडिया में यूरोपियन बियर्स कहाँ से आई। सो बिना किसी, अबे साले जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। सो मेरा नाम है पवन एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो। जैसे ब्रिटिश एम्पायर बढ़ता गया, उनके सोल्जर्स भी उन जगहों पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में रहना शुरू हो गए, एस्टैब्लिश हो गए। वहां पे उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ये बियर्स बना के भेजते थे कहां, उन कंट्रीज में अपने सोल्जर्स को एज अ राशन। जैसे आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि राशन की तरह दिया जाता था, वो बियर्स भेजते थे सोल्जर्स के लिए एज अ राशन। तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि बियर जो है वो एक टाइम के बाद, क्योंकि खराब हो जाती है, तो जैस शिप में जाती थी टाइम लगता था करीब एक महीना दो महीना, तो कभी कभार बियर जल्दी खराब हो जाती थी, कभी लेट खराब होती थी, बियर्स खराब होने लगी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने एक नई बियर बनाई जिसमें उन्होंने एल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा रखा, जिसमें एल्कोहलिक परसेंटेज ज्यादा था और उसमें ऑप्स की भी क्वांटिटी ज्यादा थी, क्योंकि इससे जो बियर है वो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ती, बहुत ज्यादा। इस बियर को उन्होंने नाम दिया इंडियन पेल एल, जिसको हम अब कहते हैं आईपीए। आपने बहुत सुना भी होगा इस नाम को। तो ब्रिटिश एम्पायर में एक इंडिया भी था जो उसके कब्जे में था, तो यहां शुरू होती है इंडियन हिस्ट्री ऑफ बियर। बियर की हिस्ट्री इंडिया में क्या थी। सो इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत भगवानों के टाइम से बियर कह सकते हैं, बियर जैसी ड्रिंक या वाइन जैसी ड्रिंक थी और ऐसा पाया गया है। सो ट्रेडिशनली इंडिया में हजारों साल पहले जो बियर जैसी ड्रिंक थी वो बनती थी राइस और बाजरा से, क्योंकि इंडिया था राइस और बाजरा प्रोड्यूस करने वाला देश। इसलिए 18th सेंचुरी यह वो साल था जब इंडिया में यूरोपियन बियर इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स को एज राशन मिलता था तो डेफिनेटली उनको भी बियर मिलेगी। इसलिए 18th सेंचुरी वो सेंचुरी थी जब यूरोपियन बियर इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई। हमारे पुराने समय में माना गया है, वेदास में ऐसा लिखा भी गया है कि बियर जैसी एक मिलती जुलती ड्रिंक थी जिसका नाम था सुरा, और वो इंद्रदेव की सबसे फेवरेट ड्रिंक हुआ करती थी उस समय पे। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये वेदास में बकायदा लिखा हुआ है। और तो और सुरा के बारे में हमारे जो रामायण जो कथा है, जो किताब है, उसमें भी सुरा के बारे में बताया गया है कि सुरा एक बियर जैसी कुछ ड्रिंक थी जो उस समय में थी जो लोग पीते थे। कौटिल्य जी को तो आप जानते ही होंगे, जिनका नाम चाणक्य भी है, उन्होंने भी दो इंटॉक्सिकेंट बेवरेजेस, दो अल्कोहलिक बेवरेजेस बताए हैं अपनी किताब में, जिसका नाम था, जो दो ड्रिंक थी उनका नाम था मेदका और प्रसन्ना। ये जो दो ड्रिंक्स थी ये उनकी किताब में पाई गई हैं कि ऐसी दो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स थी जो उस समय पर मिलती थी। ये तो रही सतयुग की बात, अब आए थोड़ा कलयुग में। राइस बियर और हांडी बियर ट्रेडिशनली बनाई जाती थी ट्राइबल्स द्वारा, ठीक है, और जिसमें वो यूज करते थे रुइल्ला,
एक फ्लावर होता है जो एक फ्लेवरिंग एजेंट होता है, वो यूज करते थे ताकि बियर को एक फ्लेवर मिल सके। पर हॉप्स इंडिया में नहीं मिलते थे, तो जैसा आपको पता है इंडिया इज रिच नोन फॉर स्पाइसेस, तो लोग यूज करते थे फ्लावर्स, कभी कोई स्पाइस डाल दिया जिससे ड्रिंक बियर और अच्छी हो जाए। जेबीएस हाल ने एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो ट्रेडिशनल ट्राइबल बियर थी वो यूज की जाती थी एज अ रेमेडी फॉर अ डिजीज। एक डिजीज थी जिसका नाम था बेरी बेरी, जिसमें क्या होता है आपकी सांस फूलती है और पैरों में सूजन हो जाती है, एक तरह से बहुत ही बुरी बीमारी थी, महामारी आप कह सकते हो, उस टाइम की बहुत ही महामारी थी बीमारी थी। तो इससे बचने के लिए लोग बियर का इस्तेमाल करते थे और इससे बचते भी थे। बेरी बेरी जो डिजीज है वो बेसिकली होती है लोगों में विटामिन B1 की वजह से, तो आई होप कि बियर में विटामिन B1 मिलता था तभी लोग उसको पीते थे, क्योंकि बुक्स कभी झूठ नहीं बोलती। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रिटिश का टाइम, उस टाइम क्या होता था बियर्स आनी स्टार्ट हुई थी इंडिया में, और वो ईयर था 1760 जिसमें इंग्लैंड से इंडिया बियर्स आनी स्टार्ट हो गई। मैंने आपको आईपीए के बारे में बताया था, इंडियन पेल एल जो ड्रिंक थी वो बनाई गई थी बाओ ब्रियोरी में जो है इंग्लैंड में, ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ सके। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी एज एन एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बनाई गई थी बाओ ब्रियोरी में इन ईयर 1787, ताकि बियर की शेल्फ लाइफ और बढ़ जाए और ये स्टोरेबल हो सके, हम इसको स्टोर करके रख सके, इसलिए ये आईपीए इंट्रोड्यूस हुई थी उस टाइम पर। अगर बात कर रहे हैं मॉडर्न डेज की, तो 1969 में लीलासंस ब्रियरीज मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें सबसे पहली इंडियन स्ट्रॉन्ग बियर बनी थी जिसका नाम था खजुराहो। नाम भी खतरनाक है यार, आप सोच लीजिए अब बियर कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज इंडिया आई और खुद की इंडियन लोगों ने अपनी ब्रियरीज स्टैब्लिश की, और अब आपको सब पता ही है कि इंडिया में कितने टाइप के बियर्स मिलते हैं। आप हैनिकेन ले लीजिए, बडवाइजर ले लीजिए, कोरोना ले लीजिए, ओह कोरोना मत लीजिए, कोरोना बियर लीजिए, समझे। बीरा, बीरा में आईपीए भी है, इंडियन पेल एल। सो ये था पूरा लेखा जोखा बियर की हिस्ट्री, बियर का इतिहास के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, गिव अ लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स, एंड सी यू सून।